अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी यार, क्या हाल चाल है आप सब के? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर हो, आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा तो यार, आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ थोड़ी सी टिप्स। जाहिर बात है, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं यूके के अंदर, जनवरी इनटेक, जून इनटेक, उसके अलावा सितंबर इनटेक, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं एशियन कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से। तो जाहिर बात है, जब आपने आना है, आप अकेले आ रहे हैं, आप ऐसा कपल आ रहे हैं, डिपेंडेंट आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, तो इधर आके आपको ट्रैवल तो करना ही करना है, और ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ख़ास तो जब आपने यूनिवर्सिटी जाना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी दूर है तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है, हफ्ते में एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, या जब जब भी आपकी क्लासेस हैं आपने यूनिवर्सिटी जाना है, तो जो यार ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो इधर बहुत ज़्यादा आ जाती है। सबसे पहले यार बात करूँ, जो आपने मेन चीज़ देखनी है वो देखनी है आपने अपनी अकोमोडेशन, यानी जब आपने अपनी अकोमोडेशन सेलेक्ट करनी है वो आपने करनी है इधर स्टेशन के करीब। जब भी आप अकोमोडेशन बुक करने लगेंगे तो नीचे उसने मेंशन किया होगा कि भाई ये अकोमोडेशन है, ये इसका पोस्ट कोड है, और ये इतनी वॉकिंग डिस्टेंस पे है स्टेशन से। जो भी स्टेशन है, बस स्टेशन का भी बताएगा, ट्रेन स्टेशन का भी बताएगा, वो इसलिए मेंशन किया होता है क्योंकि जिनके ट्रेन स्टेशन या बस स्टेशन दूर होते हैं उनका जो रेंट भी होता है वो तकरीबन 50 पाउंड कम होता है, और जिनके ट्रेन स्टेशन नज़दीक होते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे होते हैं, 15-20-25 मिनट, तो वो उसका जो रेंट होता है वो तकरीबन 50 पाउंड ज़्यादा होता है जनरली दूसरी अकोमोडेशन से। तो जस्ट भी आपने ये करना है, सेलेक्ट करनी है, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि जो स्टेशन है वो आपके बिल्कुल करीब हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर स्टेशन दूर होगा उसके लिए फिर आपको पहले बस पर जाना पड़ेगा, बस का किराया देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको स्टेशन पर पहुँच कर जो ट्रेन की टिकट है वो बुक करनी पड़ेगी, तो ये जो आपका ट्रैवल है ये आपका किराया डबल हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपने ये चीज़ करनी है तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी जो अकोमोडेशन है वो जितनी करीब हो सकती है स्टेशन के उसके करीब हो, ताकि जो आपका एक तरफा किराया, जो बस का किराया, कम से कम वो बच जाए। एक चीज़ होगी यार ये। दूसरी कार्ड ये कि यार जब भी आपने इधर आना है तो आपने अपना ऑस्टर कार्ड बनाना है। मैं पहले बात ये कन्फर्म कर दूँ कि जो ऑस्टर कार्ड है वो जस्ट लंदन में चलता है, और वो भी इनर लंदन में चलता है, आउटर लंदन में भी नहीं चलेगा, और बाकी ये बर्मिंघम, मैनचेस्टर वगैरह इधर तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये बात तो कन्फर्म आपने करनी है कि अब आप ऑस्टर कार्ड बनाने जा रहे हैं तो ये जस्ट इनर लंदन में चलेगा। मुझे एक दोस्त ने बताया था, वो हालांकि लंदन में रहता था, और जब मैं नया नया इधर आया तो उसने मुझे बोला कि अपना ऑस्टर कार्ड बनाओ, ये बड़ा बेनिफिट देगा, लेकिन मैंने जब चेक किया तो ये जस्ट इनर लंदन के लिए था। मैं रहता हूँ रेडिंग में, तो ये लंदन से थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 40 किलोमीटर या सॉरी 40 माइल तक, वो इस वजह से इधर यूज़ नहीं था, हो सकता तो वो मेरा नहीं था बन सका। वो उसका यार फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, पर डे के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा, यानी अगर आप अपना ऑस्टर कार्ड बनाते हैं तो आप एक दफ़ा टिकट अपनी बाय करेंगे, उसमें पैकेजेस अलहदा अलहदा होते हैं, जिस तरह अभी इधर बसेज के पैकेज हैं, जो सिंगल आप टिकट बाय करते हैं वो होती है 2 पाउंड की, लेकिन अगर आप डे सेवर लेते हैं तो वो आप एक दफ़ा 4 पाउंड का ले लेते हैं, तो आप पूरा दिन ट्रैवल कर सकते हैं जो भी आपका जोन होता है। ज़ाहिर बात है ये जोन वाइज टिकट होती हैं, एक जोन से दूसरे जोन तक, अगर आपने जो जोन सेलेक्ट करना है उसके दौरान आपने टिकट लेंगे तो उसका पैकेज अलहदा होगा, अगर उसके अलावा कोई जोन सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जो टिकट के पैकेजेज हैं वो अलहदा होंगे। तो ये इसी तरह जो है हॉस्टल कार्ड जो है इसके जो पैकेजेज हैं वो लंदन में भी अलहदा हैं, बाकी आउट ऑफ सिटी में तो वैसे जो पैकेजेज हैं वो अलहदा हैं। तो सबसे पहले ये आपने बनाना है ऑस्टर कार्ड। दूसरी बात ये कि यार आपने स्टूडेंट ऑस्टर कार्ड बनाना है, ये वैसे बनेगा तो आपका बाद में, सबसे पहले तो आपको ऑस्टर कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इधर आ जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह बीआरपी वगैरह कलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपका जो स्टूडेंट ऑस्टर कार्ड है वो बन जाएगा। स्टूडेंट ऑस्टर कार्ड का क्या फ़ायदा होगा, जिधर आपको ऑस्टर कार्ड पर मिल रहा है, यानी आपकी जो टिकट है वो 3 पाउंड की है और वो मिल रही है आपको 1.5 पाउंड की ऑस्टर कार्ड पे, तो जो स्टूडेंट ऑस्टर कार्ड होगा उस पे आपको मिलेगी 1 पाउंड की, यानी उधर भी जो आपके 50 पेनीज हैं वो उधर कम हो जाएंगे, ये स्टूडेंट ऑस्टर कार्ड का आपको फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले आपने ऑस्टर कार्ड अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो देखते हैं ये कैसे अप्लाई करना है। अच्छा तो यार गूगल ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने लिखना है स्टूडेंट ऑस्टर कार्ड। ये ओपन करने के बाद आपने सबसे पहला टैब ओपन कर लेना है। जब आप ये ओपन करेंगे तो आपका इधर आ जाएगा 18+ स्टूडेंट ऑस्टर फोटो कार्ड। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये बनाने के लिए आपको एक तस्वीर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए पहले ही आपने जो अपनी तस्वीर है एक लैपटॉप में सेव कर लेनी है। इधर आपने साइन इन पर क्लिक करना है।
लेकिन अभी आपने इधर साइन इन नहीं करना, सबसे पहले आपने इधर बनाना है अपना अकाउंट। अकाउंट बनाने के लिए ये कुछ बेसिक चीज़ें मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह मांगेगा आपसे। आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है और फिर करना है कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका बन जाएगा ये, आपकी आईडी बन जाएगी। इधर आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखना है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर आपसे ये यूनिवर्सिटी की डिटेल मांगेगा, आपने सारी अपनी यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करनी है। फिर ये आपकी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करने के बाद आपको मेल आ जाएगी और आपका जो स्टूडेंट ऑस्टर कार्ड है वो बन जाएगा। अच्छा यार, ये तो हो गया ऑस्टर कार्ड। इसके अलावा आपने अपना बनवाना है रेल कार्ड। जाहिर बात है जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आउट ऑफ लंडन है, तकरीबन 80% यूनिवर्सिटी जो हैं वो आउट ऑफ लंडन है, यानी जिस समय यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ एम्पटन है, इसके अलावा और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं। जस्ट जो BPP यूनिवर्सिटी है ये लंदन के अंदर है, इसके जो भी कैंपस हैं वो लंदन के अंदर आते हैं और इनर लंदन के अंदर आते हैं। इसका जो कह लें कि जो कॉस्ट है ट्रैवलिंग की वो बहुत कम आती है। अदरवाइज जो इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आउट ऑफ लंदन है, तो उसके लिए आपको बनवाना पड़ता है रेल कार्ड। रेल कार्ड कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसका जो आपको फ़ायदा है वो क्या होगा। रेल कार्ड का यार आपको 1/3 डिस्काउंट मिलेगा, यानी अगर आपकी 60 पाउंड की टिकट है कि आप ले रहे हैं तो ये आपको मिलेगी 40 पाउंड में, यानी जो 20 पाउंड है ये इसके कम हो जाएंगे। मैं यार अपनी बात करूं, जब मैं नया नया आया था तो मैं जो अपने यूज़ करता था ट्रैवलिंग अलाउंस जो मेरे लगते थे एक दिन के वो 70 पाउंड लगते थे, यानी इधर रेडिंग से नॉर्थ सेंटर एक दिन मेरी यूनिवर्सिटी होती थी। बहरहाल वो एक दिन की जो कसर है वो पूरे हफ्ते की निकल जाती थी, तो 70 पाउंड लगते थे। इसी वजह से मैंने अपना जो बनाया हुआ था रेल कार्ड के साथ 70 पाउंड लगते थे। अदरवाइज जो टिकट थी वो तकरीबन 90 पाउंड से अबव थी, यानी 108 या 110 पाउंड के करीब थी। तो रेल कार्ड की बिना पर मुझे 70 पाउंड की टिकट मिल रही थी। लेटर ऑन मैंने फिर इस पर थोड़ी सी सर्च की, चेक वगैरह की, ट्रेन वगैरह चेंज की, तो मुझे ये 40 से 45 तक मिल जाती है अभी टिकट। इसके अलावा भी देखेंगे यार, अगर इससे भी सस्ती मिल जाए, एक दिन यूनिवर्सिटी होती है तो वो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। तो सबसे पहले चले मैं आपको बताता हूँ कि रेल कार्ड आपने अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, तो यार एक बार फिर आपने अपनी स्क्रीन पे गूगल पे लिखना है रेल कार्ड UK। रेल कार्ड UK लिखने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है, ऐप्स ओपन होंगी, इधर आएगा UK डिजिटल रेल कार्ड, जिधर लिखा होगा ट्रेन लाइन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इधर ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, मतलब हाउ ओल्ड आर यू, आपने एज सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी एज है। मैंने अपने जो एज सेलेक्ट की हुई है वो 18 to 25 है। उसके बाद ट्रैवल स्टेटस चेक करना है, तो आप में जाहिर बात है भाई सिंगल हैं, अगर सिंगल आ रहे हैं तो अलोन, अगर कपल आ रहे हैं तो कपल। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि डू यू ट्रैवल विद इन लंदन एंड साउथ ईस्ट। जाहिर बात है लंदन में तो हम लगाते नहीं हैं चक्कर, ना ही मतलब उसके अंदर मूव करना है, तो हम नो लिखेंगे इसको। तो फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये बेस्ट फॉर यू, ग्रेट फॉर सोलो ट्रैवल, अडल्ट सेव 1/3 ऑन एलिजिबल फेयर्स। इसके बाद ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, इसको आपने 1 साल के लिए करना है या 3 साल के लिए करना है, 1 साल के लिए करें, 1 साल के बाद पता नहीं कब कौन किधर होता है। तो जब आपने इसको बॉय करना है तो ये आपसे कुछ छोटी छोटी डिटेल मांगेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ। तो फिर आपने इधर कर देना है कंटिन्यू, तो ये आपका बन जाएगा रेल कार्ड। इधर जो लिखा हुआ डोंट फॉरगेट योर डिजिटल रेल कार्ड, ये आपने करना है कि आपने कोशिश करें कि अपने जो मोबाइल है उसमें ट्रेन लाइन ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें। उधर आप एक ही दफ़ा जो अपना रेल कार्ड है उसका नंबर लिख देंगे, तो आपको बार बार रेल कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लगाने की। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अच्छा, तो यार रेल कार्ड आपका बन गया। उसके बाद आपने एक चीज़ लाजमी करनी है कि आपने ट्रेन लाइन ऐप अपने मोबाइल में लाजमी डाउनलोड कर लेनी है। तो उधर पहले नंबर पे आप सारी बात पुट कर देंगे अपना रेल कार्ड, और दूसरा ये कि आपने ट्रेन लाइन ऐप पे जो अपनी टिकट है वो पहले बुक करनी है, यानी अगर आपने कल जाना है यानी 2-3 दिन बाद जाना है तो आपने आज अपनी टिकट बुक कर लेनी है, वो आपको सस्ती मिलेगी। उसके अलावा आप रेल कार्ड अप्लाई करेंगे तो वो 1/3 जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपको ट्रेन लाइन ऐप का फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा आपको उधर से पता चलता रहेगा कि इधर स्ट्राइक वगैरह होती रहती हैं ट्रेन की, आजकल भी स्ट्राइक बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरी यूनिवर्सिटी को तकरीबन मैं गया था 1 मंथ पहले, यानी हफ्ते में 1 दिन और महीने में 4 दिन जाना होता है, तो 4-5 दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम गई नहीं हूँ
ट्रेन स्ट्राइक की वजह से जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं। तो ये है कि आपको उधर से पता चल जाया करेगा, और आप जब ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो वो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देगा फलां दिन ट्रेन स्ट्राइक है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देंगे कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ सकता, वो आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस बुक कर देते हैं। तो ये आपने यार ट्रेन लाइन लाजमी करनी है, ऐप डाउनलोड। तो यार अगर आप यूके आने के लिए सोच रहे हैं तो ये चीज़ें आप अपने लिए लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ट्रैवल आपने लादी बात है करना ही करना है। और इतने पैसे जिस तरह मेरे लगे थे यार, यकीन करें सेविंग बिल्कुल ही नहीं थी हुई। पहले मंथ मेरे ट्रैवलिंग पे तकरीबन 400 पाउंड लग गए थे, और 400 पाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको यार चीज़ें खा जाएंगी अगर आपने ये जो हैं ट्रेन लाइन ऐप या हॉस्टल कार्ड या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने अपनी आके इधर क्लियर ना की। यार ये थी कुछ टिप्स, इसके साथ साथ और भी मज़ीद टिप्स के लिए वीडियो बनाएंगे, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।